Subscribe and click the bell icon for all the television updates. This is Jasleen Matharu, और जैसे कि आपने मुझे देखा होगा बिग बॉस में बिना सोचे खाते हुए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतना कुछ खाकर भी मैं अपने आप को फिट कैसे रखती हूँ। मेरे वर्कआउट सेशंस में आपको बताऊंगी और किस तरह मैं एक्सरसाइज करती हूँ रोज। तो आइए मेरे साथ, और आज मेरे साथ है टेली मसाला, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ भी पहुँच गए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। आइए, हम अंदर आ गए हैं और मैं आपको मिलाना चाहती हूँ मेरे ट्रेनर से। जयेश, कैसे हो आप? ऑल वेल, ऑल वेल, कैसे हो आप? और बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने सीजन देखा, कैसे लगा आपको? ओ, बहुत 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 बढ़िया। तो मुझे वर्कआउट भी कराओ, मैं बहुत खाकर आई हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं जिम में एंटर करते ही क्या करती हूँ ये मैं आपको बताऊंगी आज। तो आइए मुझे फॉलो कीजिए। मसाला आए और कुछ जानने की कोशिश ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो काफ़ी टाइम से मैं वर्कआउट कर रही हूँ। ऑल्सो आई एम अ ब्राउन बेल्ट किकबॉक्सर, किकबॉक्सिंग भी कर चुकी हूँ मैं पहले। अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, फिटनेस में मैं काफ़ी टाइम से हूँ, 10-11 साल तो मुझे हो गए हैं वर्कआउट करते हुए। तो है, काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ ये सब। अच्छा, जो आप इस वक्त करें, इसके क्या फ़ायदे, ये ज़रूर जिनको नहीं जिम का नॉलेज हो उनको ज़रूर जानना है। आई थिंक सबसे पहले वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडमिल पे थोड़ा वॉक कर लो, या जॉग कर लो थोड़ा सा, या स्पॉट जॉग कर लो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई कैच नहीं आ जाए और उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। तो मेरे ट्रेनर तो मुझे यही कहते हैं कि सबसे पहले आओ ट्रेडमिल पे वॉक करना शुरू करो और फिर मैं वर्कआउट कराऊंगा, अदरवाइज तो शुरू ही नहीं करते। अच्छा, ये कितने मिनट का आप ये चीज़ रोज रेगुलर करती हैं? आई थिंक अबाउट हाफ एन आवर, 45 मिनट्स तक तो मैं वॉक या जॉग करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने वेट्स शुरू करती हूँ ट्रेनिंग। अच्छा, जिम में कितना वक्त जसलीन गुजारती है वैसे? 2 घंटे। बिग बॉस में तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हुए, जहाँ श्री मुझे ट्रेन कर रहे थे। अब सिंस श्री भी नहीं है यहाँ पर, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी ट्रेनिंग में। बट 2 घंटे लग जाते हैं आराम से मुझे। अच्छा, जैसे आप आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं आप दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ जो आप जिम में आने की बात करती हैं। जी बिल्कुल, चलिए। तो अब हम फंक्शनल ट्रेनिंग करेंगे। आपने देख लिया कि कैसे मैं अपना कार्डियो करके आई हूँ, थोड़े वेट ट्रेनिंग कर लिया, अब बारी है फंक्शनल ट्रेनिंग की। एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर स्टैमिना और एंड्योरेंस के लिए। और ज़रा भी आपकी बॉडी थोड़ी लूज़ है या स्किन लूज़ है तो वो टाइट हो जाएगी। और तो अब हम वो करने वाले हैं, थोड़ी रोप एक्सरसाइजेज हम करने वाले हैं। तो आइए देखिए। पकड़ लिया है, मुझे थोड़ा स्टाइल मारनी है। और आप देख सकते हैं जैसा मेरा एक टैटू है जो मैंने फाइटर का बना रखा है, आप देख सकते हैं। सो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मेरी बॉडी पर क्या क्या टैटूज बने हुए हैं, तो ये इनमें से एक है और इसलिए मैंने ये हैमर पकड़ रखा है।
जी अगर वक्त ना मिले जिम जाने का या कुछ चीजें करने का, तो उनके लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे, वो घर पे बैठ के चीजें क्या कर सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप जिम आए वर्कआउट करें, अगर आप आधा घंटा एक वॉक पे चले जाएं या थोड़ा सा जॉग कर ले, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। किसी भी एज में आप वर्कआउट कर सकते हैं, और आपको बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को थोड़ा सा फिट रखने के लिए, ताकि यू नो चलने फिरने में आगे प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो आधे घंटे का वर्कआउट आई थिंक इज मोर देन इनफ, पूरे दिन में ओनली हाफ एन आवर तो आप कर ही सकते हैं। और अगर मैं खाने की बात करूँ जी, किस तरह के खाने एक्चुअली खाना चाहिए, अगर वो ज़्यादा खा भी रहे हैं तो उसके बाद कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए? देखिए जैसे कि सब जानते हैं मुझे खाना बहुत पसंद है, आई एम अ वेरी बिग फूडी, एंड मैं कुछ भी खाने से परहेज नहीं करती, मुझे सब कुछ खाना पसंद है, चाहे वो मीठा हो चाहे वो यू नो ऑयली हो, मैं सब कुछ खाती हूँ। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना खाओ उसको आप वर्कआउट करके उस चीज़ को निकाल दो, ताकि वो फैट जो है आपकी बॉडी पे जमा नहीं हो। तो कुछ भी खाइए लेकिन वर्कआउट जरूर कीजिए। अच्छा, फिटनेस को लेकर आप अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को फिट रखिए, ताकि आगे लॉन्ग लाइफ में आपको कोई भी तकलीफ नहीं आए बॉडी में या घुटनों में प्रॉब्लम नहीं आए। तो वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, जिम ज्वाइन करिए या पार्क में जाइए, जहाँ भी करिए, बट वर्कआउट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मिस मत करिए इसे। मसाला है जिन्होंने पूरा वर्कआउट सेशन मेरा कवर किया है, तो आप मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और कोई टिप्स अगर आपको जानने हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड।